हमारे बचपन के दिन हमें बहुत प्रिय होते हैं। स्कूल में मस्ती, दोस्तों के साथ मस्ती और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाती हैं, क्योंकि हमने बचपन में वो सब किया होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बचपन में हमारे दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर कर जाती हैं और जिनकी वजह से हम अपना जीवन खुल के नहीं जी पाते। तो ये जो बचपन का जो टाइम है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द टीचर्स, फॉर द पेरेंट्स, जो भी आसपास लोग हैं, यो जो हमारे दोस्त हैं, हम भी किसी के साथ कुछ कर बैठते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें अंदर रह जाती। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज एपिसोड 27 ऑफ माइंडफुलनेस में लेट अस पॉज टुगेदर टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव लाइफ फुली, कैसे जिए जी भर के। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये वीडियो अपने बहुत सारे दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और इनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इससे उन्हें ये जानकारी मिलेगी कि जीवन कैसे जिया जाता है खुल के, और फिर वो आपको बहुत याद करेंगे। तो एक मेरी फ्रेंड है, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, वो बचपन से ही, उसको डांस करना बहुत पसंद है, वो बहुत डांस करना चाहती है, लेकिन आज वो ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब भी वो डांस करने जाती है, उसको बचपन का एक इंसिडेंट याद आ जाता है कि जब वो डांस करने जा रही थी या कर रही थी, वो गिर पड़ी और उस वक्त उसका बहुत मजाक उड़ाया गया। तो आज भी जब वो डांस करना का सोचती है तो उसे वो वाक्य याद आ जाता है और वो डांस नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसे फिर से उसका मजाक उड़ाया जाएगा, शायद वो फिर गिर जाएगी, शायद किसी को उसका डांस करना पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा हम सबके साथ हमेशा होता है, या कभी कभी होता है, या हम सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन होता जरूर है। तो कैसे ये बचपन की जो बातें होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है और हम अपनी बहुत सारी इच्छाओं को दबा लेते हैं, क्योंकि उनका जो सूत्र है वो हमारे बचपन से कहीं जुड़ा हुआ है। There is a thread going along to our childhood। तो कैसे जानते हैं कि इन सबको हम कैसे ठीक कर सकते हैं या हम बदल सकते हैं इस चीज को, कैसे हम अपने जीवन को एक नए रास्ते पे ला सकते हैं जिससे कि हम खुल के जिए। अच्छा, उदाहरण थोड़े से और दे देती हूँ जिससे आपको ये थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम रोना चाहते हैं, बहुत कोई बुरी खबर सुनी या कुछ भी है तो आपका मन कर रहा है कि आप बहुत रोएं, लेकिन तभी आपको याद आता है कि जो रोते हैं वो कमज़ोर होते हैं, रोना कमज़ोरी की निशानी है। और फिर आप क्या करते हैं, अपने आंसू पोंछ लेते हैं और कोई आपसे कहता है कि क्या हुआ, तो आप कहते हैं नहीं, मेरे आंख में कुछ गिर गया था, आप अपना रोना छिपा लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर कि आपको दिल में जो भी है आप कुछ चीजें बताना चाहते हैं लेकिन आप नहीं बताते। क्यों? क्योंकि बचपन में जब भी आप अपनी मन की बात किसी से कहते थे, आपका मजाक उड़ाया जाता था, आपको बोला जाता था ये तो बेवकूफ है, इसको इससे इसके साथ खेलने का कोई फायदा नहीं है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो आप अपना दिल की बात आज भी किसी से नहीं कह पाते क्योंकि आपको लगता है कि यू आर नॉट विल बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप प्रॉब्ली, तो शायद आपका रिश्ता बिगड़ जाएगा, शायद आपको रिजेक्शन मिल जाएगी। तो आप अपने दिल की बात आज भी किसी से नहीं कहना चाहते। तो क्या हम अपनी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेंगे? Are we not going to live our life fully and freely?
क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो खुशी कभी आपके पास नहीं आएगी, खुशी की जिंदगी आप कभी जी नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें जिससे कि हम अपनी जिंदगी खुल के जिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अब आप बड़े हो चुके हैं, आपका बचपन गुजर गया है, जो बचपन के वाक्य थे वो बात बीत गई। अब आप, जब आप शायद छोटे थे तो आपके पास उतनी क्षमता नहीं थी कि जब आपको कोई कुछ कहता तो आप उसको सहन कर पाते, इसलिए आपने अपना एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही लूज कर दिया। You stop self expressing yourself. लेकिन आप क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, you have all the emotional, financial, physical, all aspects you have grown up and you know that you can cope with all of this. And you can cope in spite of having some pain in whenever you are having all of this, probably you have some pain. But still, you can cope up with all of this. अब आप क्योंकि बड़े हो चुके हैं तो आपके अंदर वो क्षमता है कि अगर कुछ आपसे बोला जाए तो आप उसको सहन कर पाएंगे। You have become more resilient. क्योंकि आप अब बड़े हो चुके हैं, ये बात हमें याद रखनी है। इसीलिए so if you now are able to risk your expression, आप छोटी सी चीज से शुरू कर सकते हैं, छोटा सा कुछ करिए, फिर जो आपके लिए बड़ा एक डिसीजन लेना हो, चाहे आपके बिजनेस का हो, चाहे करियर का हो, चाहे मैरिड लाइफ का हो, जिसमें आपको लगता है कि मेरे को एक्सप्रेस करना है कम व्हाट में, क्योंकि वो एक्सप्रेशन ही आपकी जिंदगी का एक मोड़ है जहां आप अपने आप को खुल के जी सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यू स्टार्ट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फुली एंड फ्रीली। तो दोस्तों, जिंदगी के अंदर खुश रहने का सबसे अहम तरीका है अपने आप को खुल के व्यक्त करना, जिसे मैं कर पाती हूँ। हर हफ्ते मिलती हूँ आपसे, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कभी अटक जाती हूँ, लेकिन फिर भी हर हफ्ते आपसे मिलने आती हूँ। तो खुश रहिए और जिंदगी में एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।